जेवर के करीबी गांव दयानतपुर में एक नाबालिग की बारिश के पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। जेवर जाना है भैया, इधर से चले जाओ सीधे, साबोता होते हुए राइट जाओगे, जेवर चले जाओगे। एक दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो इस रास्ते से होकर जेवर से आवागमन करते हैं, तहसील मुख्यालय है, तो इन लोगों की ड्यूटी है कि कृपया, बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ मार्ग है और इसमें कोई इतनी ज्यादा लागत नहीं आनी, इतना ज्यादा कोई यहाँ कोई उसकी जरूरत नहीं है रिपेयरिंग की, तो कम से कम मान लीजिए अगर भविष्य में सड़कें चेंज भी होनी है या रास्ते चेंज होने हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में कम से कम रिपेयरिंग तो इन रास्तों की हो ही सकती है। जेवर के करीबी गांव दयानतपुर में एक नाबालिग की बारिश के पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। दयानतपुर में सोमवार को भारी बारिश के चलते चार नाबालिग नहाते नहाते गांव के बाहरी छोर पर पहुंच गए, जहां एक किशोर की पानी से भरे गड्ढे में डूबने की वजह से मौत हो गई। उसके तीन साथी बाल बाल बच गए, जिन्होंने घर आकर इस घटना की सूचना परिजनों को दी। दोस्तों, गांव दयानतपुर में हूं और आपको बता दूं कि दयानतपुर में एक 15 साल के बच्चे की बारिश के पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है। पुनीत भाई के घर पे हूँ मैं, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ हुआ था, कैसे कैसे वाक्य हुआ। भैया कैसे कैसे हुआ बताएं थोड़ा इसके बारे में। सर ऐसा है कि यहाँ से आप इधर देख रहे होंगे, इधर को देखिए, यहाँ से उधर, यहाँ का वीडियो वहाँ से भी मिल जाएगा, वो देख रहे हैं, मेरा भी वो जा रहा वहाँ से, वो लट्ठा जो देख रहा है बस देख रहे हैं। यहाँ से लगभग 200 या 250 मीटर दूरी पर है, बच्चे वहाँ पे जाते रहते हैं अक्सर, लेकिन कंपनी का कुछ ऐसा वो था कि उसकी जो 15 फीट गहरा गड्ढा करके वो बिल्कुल लेवल हुआ था पानी का, बच्चे वहाँ पर जाते गए, उनको पता नहीं था कि इसमें कितना पानी है और बच्चे का पाँव फिसलने से उसमें बच्चे की वहाँ पर मौत हो गई। अब अगर वहाँ पर कोई सिक्योरिटी होता तो वहाँ पर रोकता, या फिर उसकी तारकशी होती तो वहाँ पर यह हादसा रुक सकता था जी। वहाँ पर आज तो ये लड़का है और भी कोई जानवर भी जा सकता है, इसलिए उस कंपनी की जो गलती है वहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए था, ऐसा हमारा मानना है। भाई का बेटा मेरा, बताएं थोड़ा बताएं कैसे, कितने बजे का मामला है, कैसे कैसे हुआ? 4 बजे के बाद का मामला है साहब, शाम 4 बजे। हाँ जी, 4:30 बजे बारिश आई है, उसके बाद की बात की बात है, वो लड़का यहाँ एक बाल्टी पानी यहाँ भी गिरा है नल पे, फिर उसके बाद में कपड़ा उतार के नहीं है वो यहाँ से चला गया। अब पता नहीं बच्चों के साथ गया है या अकेला गया है, इस बात की हमें कोई मालूम नहीं था। हमें अगर इतनी जानकारी होती तो हम अपने बच्चे को रोक लेते। बिल्कुल सही बात है। तो इनका कहना है कि किसी की किस्में कोई गलती नहीं है, बस समय की बात है। भाई साहब बताएं। शर्मा जी, शर्मा जी आप आए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शर्मा जी गलती तो प्रशासन की, कोरे गड्ढे कर रखे जी, कोई भी आदमी वहाँ रास्ता नहीं आने का ना जाने का जी, कोई किसी को सुनते नहीं है, रास्ते भी सारी तरफ बंद हुए पड़े हमारे, हमारे जो लोग हैं बड़े परेशान रहते हैं, नहीं वो सुनते किसी की, 15 15 के गड्ढे। चलो ये तो बच्चा था, कल को कोई ढोर भी मर सकता, अनजान आदमी मर सकता, बस पलट के उसमें भी गिर सकती है, फिर उसको क्या इल्जाम होगा सर? तो गलती तो जाने पे जाने करते जाए, रास्ता दे रहे नहीं जी। आप जाके देखिए अभी भी वहाँ कुछ भी नहीं, जाने के लिए आप गिर जाएंगे, खुद जाएंगे खुद देखेंगे वहाँ, वहाँ आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी ठीक तरह से रास्ते में। सुनते नहीं है, अपनी मनमानी कर रही है, जो दिखाई देता वो करते हैं जी, ये आम आदमी कुछ करता नहीं, गरीब आदमी बेचारा कोई भी कुछ नहीं कर पाता। हम तो आपके आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इनको बेचारे गरीब आदमी है, कुछ मिल जाए, आपकी मेहरबानी हो जाए, शासन प्रशासन सुन ले तो कुछ ना कुछ उनकी मदद करिए, गरीब आदमी है जी, हम तो इतना निवेदन करें शर्मा जी आपसे। तो मेरा भी सक्षम अधिकारियों से कहना है कि इन लोगों की जितनी मदद हो सकती हो इस क्षेत्र में तो मदद करें इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों के साथ नुकसान तो हुआ है, इन लोगों का गमगीन माहौल है। दयानतपुर गांव के करीब एक हाईवे बनाने का कार्य लगातार चल रहा है, जहां जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी निकाले जाने से एक स्थान पर गड्ढा हो गया था और जलभराव हो गया था, जिसमें यह किशोर गहराई को नहीं समझ पाया और गहरे पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे से बच्चे को बाहर निकाला, मौत की खबर सुनकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक के परिजनों ने बिना कानूनी कार्यवाही कराए मृतक का अंतिम संस्कार बीते दिन करा दिया। तो गांव दयानतपुर में आना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप जो ये लोकेशन देख रहे हैं ये दरअसल जेवर एयरपोर्ट का एरिया है, ये सामने टर्मिनल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पे काम चालू है, जहां बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था जेवर एयरपोर्ट का। लेकिन इस वक्त मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये रास्ता यहाँ से रघुपुरा की ओर जा रहा है, ये जेवर की ओर जाता है और ये रास्ता
जेवर जाना है भैया, इधर से चले जाओ सीधे, साबोता होते हुए राइट जाओगे, जेवर चले जाओगे। तो दोस्तों मेरी परेशानी भी आज वही है जो एक आम आदमी की परेशानी होती है, ये साबोते हुए होते हुए जेवर जाता है और ये रास्ता दयानतपुर होते हुए जेवर जाता है। दोनों ही रास्तों की हालत इतनी ख़राब है कि बाइक चलाते वक्त आप 10 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर एक्सीलेटर नहीं कर सकते। अब पता नहीं क्या कारण है जो ये दो रास्ते नहीं बन पा रहे हैं। जेवर और रऊपुरा के लिए इनका आवागमन होता है, एक दर्जन गांव है, मेरी अकेले की परेशानी नहीं है, लगभग एक दर्जन से ज़्यादा गाँव हैं जो इस रास्ते से होकर जेवर से आवागमन करते हैं। तहसील मुख्यालय है तो इन लोगों की ड्यूटी है कि कृपया, बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ मार्ग है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा लागत नहीं आनी, इतना ज़्यादा कोई यहाँ कोई उसकी ज़रूरत नहीं है रिपेयरिंग की, तो कम से कम मान लीजिए अगर भविष्य में सड़कें चेंज भी होनी है या रास्ते चेंज होने हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में कम से कम रिपेयरिंग तो इन रास्तों की हो ही सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।